अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। जो हर्ष रूपक का हुआ उसे देखकर हर जुम्बा पर केवल यही सवाल है कि आखिर यह कैसी दोस्ती। दोस्ती में हत्या और फिर शव को खेत में दबा दिया। दो दिन चैन नहीं पड़ा तो शव निकाला और छोटे छोटे टुकड़े कर उसे बोरवेल में डाल दिया। अब JCV से बोरवेल की खुदाई की जा रही है। यह सारा मामला मेरठ के कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र के इलाके फाजलपुर का है। मरने वाले युवक का नाम रूपक है और वह जसवंत का पुत्र था। दरअसल शराब पार्टी के बाद हुए विवाद में साथियों ने गोली मारकर रूपक की हत्या कर दी। दोस्त रूपक को घर से बुलाकर ले गए थे। पहले उन्होंने ग्राम जिटौला में संजय गुर्जर के ट्यूबवेल पर देर रात तक शराब पी, विवाद हुआ तो उसे गोली मार दी। रूपक के शव को पास के ही खेत में दबा दिया गया। बताया जा रहा है कि पकड़े जाने के डर से वे सभी एक बार फिर वहां पहुंचे और शव को निकालकर उसके टुकड़े टुकड़े कर बोरवेल में डाल दिया। पुलिस ने जब गुमशुदा की तलाश नहीं की तो परेशान परिजनों ने पुलिस अफसरों से शिकायत की, जिस पर पुलिस हरकत में आई और दोस्तों से पूछताछ शुरू की। इसमें एक दोस्त ने पूरा मामला उगल दिया। मुख्य आरोपी ग्राम जटौला निवासी विक्की बताया जा रहा है, जो पुलिस पकड़ से बाहर है। गांव के दोस्त विशाल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उसने बताया कि विक्की ने उसे बताया था कि रूपक के शव को दो दिन बाद ही खेत से उखाड़ लिया था। रामवीर फौजी के खेत के नलकूप के 250 फीट गहरे बोरवेल में शव के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दिए गए हैं। इस बारे में SPCT अखिलेश नारायण सिंह ने जानकारी दी। आइए देखते हैं। सर, थाना क्षेत्र कंकड़खेड़ा में एक रूपक नामक लड़का गायब हो गया था, क्या मामला सर? 25 जून 2020 को रूपक नाम का लड़का गायब हो गया था, जो फाजलपुर गांव का रहने वाला था। उसकी तलाशी के लिए, जानकारी करने के लिए कई टीमें लगी। गहन छानबीन किया गया तो छानबीन से चार लड़कों को पकड़ा गया, जिनके द्वारा बताया गया कि इसको कतिपय चारित्रिक मामलों में इसे नाराज होकर इन सब ने उसको मार दिया। एक जमीन में गाड़ने की बात बताई, जहां खोदा गया तो वहां कोई साक्ष्य नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा कि उसको हत्या करने के बाद उन्होंने बोरवेल में डाल दिया है। बोरवेल की खुदाई कराई जा रही है, मशीनें कल लगी हुई थी, पूरी खुदाई नहीं हो पाई है क्योंकि बोरवेल लगभग 40 फीट गहरा है, तो उसके लिए और विशेष मशीनें मंगा के उसकी खुदाई करने का प्रयास किया जा रहा है। और जैसा साक्ष्य मिलता है उसके संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक इस घटना में जो अभी तक साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर चार लोगों को पकड़कर विस्तृत पूछताछ किया जा रहा है। मेरा नाम जसवंत है। जसवंत जी, बच्चे के साथ में क्या घटना घटित हुई? बच्चे का क्या नाम था? रूपक था, रूपक और भोरा। अच्छा, क्या घटना घटित हुई कुछ पता चला आपको? हाँ, दो लड़के आए थे घर पे, उसे ले गए थे जी। हाँ, जो फिर बाद में पता चला वो हमने थाने गए थे, फिर रिपोर्ट वोट लिखवाई थी उनके नाम की, उन्हें पकड़ के ले गए और उन्हें ना तो कुछ करा पिटाई, फिर उन्हें छोड़ दिया वापिस। फिर दोबारा पता चला वहाँ ऐसा केस हुआ तो उन्होंने पिटाई उटाई करी, जब जाकर उसका केस खुला। फिर बताया कि ना भट्टे के पास दबा रखा है। अच्छा। फिर हम भट्टे के पास आए, वहाँ दो दिन DP से चलती रही, कुछ नहीं मिला भट्टे पे भी, भट्टे पे कुछ नहीं मिला। किसी ने बताया ना वो 12 का बोरिंग कर रखा, उसमें काट के डाल रखा वो लड़का। तो कितने दिन से गया आपका बच्चा? ये 25 तारीख 8 बजे से गया रात के। किन किन लोगों पर आपका शक है जिसके आपने रिपोर्ट कराई थी? ये तो सागर है, एक वह विक्की 64, एक विकास। हाँ जी। बच्चा कितना बड़ा था? और 20 साल का लड़का मेरा। क्या करता था बच्चा? ये पढ़ा, अभी इंटर पास गया, ITI कर रहा था। तो पुलिस ने अब तक क्या कर रहा भाई? पुलिस भाई कुछ, हम जाग रहे, कुछ कार्रवाई कुछ करी नहीं पुलिस ने। हम लोग करते रह गए, अभी अभी बताएंगे करो